हेलो गाइस, मैं सूरज आज आपके नए वीडियो के साथ आया। दोस्तों आज की जो वीडियो अपनी वो है दोस्तों बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, बॉटनी का थर्ड पेपर है। तो एक्चुअली दोस्तों बॉटनी का थर्ड ही पेपर रह गया था, बाकी तो सब पेपर हो चुके हैं। देखो देखिए, आपकी जुलॉजी भी तीनों पेपर डाल दिए मैंने 2019 के इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। 2019 के इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ 85% से ऊपर लाऊंगा, 85% से ऊपर। तो पेपर को हम लीक होने देंगे, पेपर लीक कराएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ 85% से ऊपर आएगा, जो मैं आपसे एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए लगभग बता रहा हूँ, 2 से 4 दिन पहले मैं आपको पेपर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, बिल्कुल जो पेपर में आ रहे हैं वो बता दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट केवल इनसे इनके अंदर ही आएंगे। लगभग 20 क्वेश्चन दूंगा, 20 में से 16 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो लास्ट तक आपको बने रहना इस वीडियो में, 20 क्वेश्चन आपको ये देख लेना है, इन क्वेश्चनों को देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही पेपर 4 से 5 दिन पेपर रह जाएंगे ना, तो 4थे 5वें दिन से पहले जैसे मैं पता चल जाएगा कि हाँ पेपर में ये चीज़ आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं तुरंत के तुरंत वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, जैसे कि मैं तुरंत वीडियो डालूं और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। क्योंकि मैं ऑफलाइन वीडियो नहीं डालूंगा, जब उतने टाइम डालूंगा तो ऑनलाइन वीडियो डालूंगा, लाइव आएंगे, बिल्कुल लाइव, ठीक है। एक्चुअली मैं फेस नहीं दिखा सकता अपना, क्योंकि इसलिए कि हमारी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, क्योंकि मेरा दूसरा जो चैनल है ना वो थोड़ा दिक्कत में आ गया है ना इसके वजह से। नहीं तो हम इस वाले चैनल पे भी आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होती, हम फेस लाइव फेस आते हैं, ठीक है। उस वाले प्रॉब्लम आ गई थोड़े यूट्यूब चैनल पर, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उस पर हमारे लगभग 75,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगा हम उस पर ही वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन एक्चुअली हम बताएं, जो वीडियो अपलोड होती है वो हमारे इस चैनल पर ही होगी, स्टडी विद सूरज पर, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो हमारा चैनल था स्टडी विद सन था, लेकिन अब जो चैनल है स्टडी विद सूरज नाम से मिलेगा आपको, और इसका लोगो भी चेंज है, और हमारी इमेज तो वही रहेगी, तो थंबनेल की इमेज है वो सेम टू सेम रहेंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ 85% से ऊपर आएगी, और आपको पता ही होगा 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हुए हैं बीएससी में, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है, आपका आगरा यूनिवर्सिटी ले लो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ले लो, सभी मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ जो मेरे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप ये देख के जाते हैं, तो मेरे बच्चों के 70% से लेकर 85% के बीच में सबके आए हैं, ठीक है। जितने मेरे द्वारा जो पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो 70% सबके ऊपर आती है, ठीक है। तो आपको लास्ट तक बने रहना, अच्छी लगे वीडियो लाइक एंड शेयर करना, जो पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, खनिज संसाधन क्या है। देखिए खनिज संसाधन को देख के जाना है, उसके बाद में उनका संरक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखना खनिज संसाधन क्या है और उसका संरक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन याद रखना मृदा के प्रकार, सॉइल ऑफ टाइप, और मृदा का निर्माण कैसे होता है, उसकी टाइप कितने प्रकार की मृदा होती है, ये देख के जाना है। उसके बाद में मृदा का अपारदन, मृदा कैसे कटती है, अपारदन कैसा होता है, इनोरासिस कैसे होता है, इसका कारण क्या है, इसका संरक्षण कैसे करेंगे, मृदा ना कटे ऐसा क्या, बनफन का यूज करो मृदा नहीं कटेगी, ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ, उसके शॉर्ट ट्रिक से मैं क्वेश्चन बना दूंगा। और याद कैसे करना है, कैसा पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी आपको पेपर से पहले पहले, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सभी दोस्तों को लाइक एंड शेयर कर सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। उसके बाद में आता है, उसके बाद आ जाता है हमारा प्राकृतिक मानव निर्मित स्रोत, ठीक है, जल स्रोत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सभी दोस्तों को देख के जाना है। जल का मुख्य गुण क्या होते हैं, जल के अपने गुण, पीने के जो मुख्य व्यायाम क्या का कारण है, उनका देखिए गुणों की बात की जा रही है, यहाँ लक्षण कैसे होंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है, गुण बताने हैं जल के, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये 2019 के 2018 के लगातार पूछा जाता है कि जल के गुण क्या होते हैं। उसके बाद में वन संसाधन, देखिए वन संसाधन क्या है, महत्व क्या है, संरक्षण किस प्रकार से करेंगे वन संसाधन का, ठीक है, कैसे रोकेंगे, महत्व क्या है, उनका संरक्षण कैसे करेंगे ये। उसके बाद प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, इन दो प्रदूषण में से एक प्रदूषण पूछा जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो, एयर पॉपुलेशन या जल पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है जैविक भिन्नता, जीवों में पाई जाने विभिन्नता जैविक भिन्नता कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, 3 नंबर में पूछा जाता है, 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद में आ जाता है जीव संख्या, जीव संख्या क्या होती है, जीव संख्या और समुदाय, देखिए जीवों के समूह जो पाए जाते हैं, कम्युनिटी पाई जाती है, एक समूह पाया जाता है वो समुदाय कहलाता है, ठीक है, जीव संख्या क्या वो देख लेनी है। उसके बाद में देख के जाना है एंटोलॉजी, एंटोलॉजी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है अंडरस्टैंड बाई एंटोलॉजी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तंबाकू का मोजिक रोग और संक्रमण, संक्रमण लक्षण नियंत्रण करना है, ठीक है, तंबाकू का मोजिक रोग क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो हर साल पूछा जाता है। और संक्रमण क्या होगा, इसके लक्षण कैसे होंगे और इसे नियंत्रण कैसे करेंगे तंबाकू के अंदर। और आलू का, देखिए इन 3 रोगों में से एक रोग पूछा जाएगा, या तो आपको पूछा जाएगा तंबाकू मोजिक रोग पूछ लेगा, या आलू की जो निलंबित अंगमारी रोग होता है, एकदम सूखने लगता है उसका अंग, ठीक है, उनके लक्षण उपचार के बारे में पूछ लेगा, या फिर पूछेगा आपका गन्ने का जो लाल सुड़क, गन्ने के अंदर के लाल लाल अंदर हो जाता है ना, सुड़क रोग कहते हैं, सुड़क रोग, और इसका लक्षण क्या है,
ठीक है, सड़न कहते हैं, सड़न लोग होता है, ठीक है, ये उसका उपचार कैसे करें, कौन सी दवाई का यूज करना चाहिए, ये सब कुछ, मृदा का परिक्षेपण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चिपको आंदोलन, चिपकी आंदोलन या चिपको आंदोलन कहते हैं इसे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चिपको आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मृदा का उर्वरता, मृदा की उर्वरता क्या होती है, देखिए मृदा की उर्वरता की बात की जा रही है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद में हरित गृह, जो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो 3 नंबर में आपको बनता ही बनता है, पक्का 3 नंबर बनता है, इससे कोई काटने वाला पैदा नहीं है। तो देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट द्वारा जो पढ़ रहे हैं, जो कोशिश पढ़ते हैं, तो वो किसी को फैला मतलब फेल करने वाला कोई भी यूनिवर्सिटी का बंदा पैदा नहीं है, सूरज के बंदों को फेल कर दें सच में, ठीक है। और क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन को बताता हूँ जो बस एग्जाम में आते आते हैं, 3 से 4 दिन पहले वो क्वेश्चन बताऊँगा जो बिल्कुल पेपर में आ रहे हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन को दबा दें, और उसके बाद में ओजोन हॉज क्या होता है ये क्वेश्चन देख के जाने हैं। और अम्ल वर्षा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है अम्ल वर्षा। उसके बाद में जन्मदर मृत्यु दर देख लेना, ठीक है, जन्मदर मृत्यु एक बार तो पढ़ेंगे और सिंपली याद हो जाएगा। उसके बाद में देख के जाना इको टाइप्स क्या होते हैं, पादप सूचक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पादप सूचक, पादप सूचक क्या होते हैं। उसके बाद में खीरा का मोजिक रोग, देखिए खीरा के अंदर मोजिक रोग हो जाता है, वो देख के जाना है। उसके बाद में आता है आपका एक सुना होगा सिल्ट्रिस कैंसर, जो नींबू के अंदर कैंसर हो जाता है, ठीक है, जो नींबू होता है, नींबू के अंदर जो कैंसर रोग हो जाता है, कैंसर, ठीक है, जैसे सिल्ट्रिक कैंसर कहते हैं, ठीक है, सिल्ट्रिक याद रखना, सिल्ट्रिक कैंसर होता है। अब सिल्ट्रिक कैंसर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सिल्ट्रिस, ठीक है, सिल्ट्रस कैंसर कहलाते हैं, और जो सिल्ट्रिक कैंसर होता है उसको देख के जाना है क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन इतने देख के जाते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका 85% से ऊपर आएंगे, कोई आपको फेल करने वाला पैदा नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। कोई भी देखिए कैंप भी चेक करता है तो उसका क्या देखा जाता है, क्या रीज़न होता है, वो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली बहुत मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी उस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, तो मैं वीडियो बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सभी प्यारे दोस्तों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल के आइकन को दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो गुड बाय दोस्तों, और मेरी उस वीडियो को इंतज़ार करो, क्योंकि उस वीडियो को आपकी लाइफ बदल देगी, बहुत जल्दी उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।